दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में जो लोग छंझोर तैयारी में लगे हुए फिर लगने जा रहे हैं मेरे बार फाइनली काफी दो से तीन दिन से फ्लड ऑफ मेल्स आ रही है जब से मैंने एक रुपये में आई एस की कोचेंगे क्या ये पॉसिबल है समथिंग कुछ डाला जिसमें मैंने बताया कि मैं नाइन परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट मैं मेल्स का रिप्लाई दे रहा हूं तो जब से कुछ ऐसे में मस्ती में भी आए और फाइनली थैंक्स टू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट की मेरी तरफ से मैं आपको जितना मेरे से बन पा रहा है मैं रिप्लाई दे पा रहा हूँ क्या मेरे पास ये भी मेल्स आ रही हैं कि सर टाइम टेबल देख के तो मज़ा आ गया बट मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आ रही हैं स्प्रेंट्स के थ्रू काफ़ी सारी मेल्स आई और एनालिसिस करने के बाद यही यही पता चला कि चलो यार इसको भी यूट्यूब पे मारते हैं देखते हैं क्या होता है आके फाइनली मेरी तरफ से एक मोटिवेशन एक मेरे स्टाइल में मैं यहाँ पर जस्ट उन लोगों के लिए बोलूंगा कि जो कहते हैं ना हो पाएगा हमसे मोटिवेशन के लिए टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए मैं बोल सकता हूँ वो भी देखें अच्छी बात है बट मेरी तरफ से मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो भी देख लें पाँच से सात मिनट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यस मुझे अब लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए दर्द नहीं तो कुछ नहीं दर्द तो हम लेके रहेंगे बॉस चाहे कुछ भी हो जाए बिकॉज अक्टूबर तक का दर्द लेना उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी होने वाले है और उसके बाद जो आप समाज के गरीब तबके के अंदर जाके अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे अलग अलग फील्ड में कोई डी बनेगा कोई सब डीएम बनेगा स्टार्टिंग में जो भी अपने कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी कुछ लोग पहुंचेंगे तो जैसे बोलूंगा कि सोशल कंट्रीब्यूशन देते रहना जिंदगी भर और बट हाँ जाने से पहले जैसे ये बोलूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें दो से चार मिनट एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी बाकी लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब फंडा ये मेरे समझ में नहीं आता मैं यहाँ कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ ना ही मैं कोई यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज वाला हूँ मैं यहाँ पे जैसे आप लोगों का एक बोलते हैं ना कि जस्ट एक हेल्पिंग हैंड समथिंग जैस मैं यहाँ पे वही हूँ अभी तक जो मैंने अभी तक यहाँ पे, यहां पे सोचा है खैर गाइज मैं जस्ट यहाँ पे यही बोलूंगा कि दिस टाइम टू टेक अ पेन एज वेल एज सिंपल फंडा मेरी तरफ से पेन ले लो थोड़ा सा और 18 जून लॉक डे 17 जून रात नौ बजे तक का पूरा नीचे तक का जिसको बोलते हैं ना जोर लगा दो जो होगा आगे देखा जाएगा 18 जून की अलग फिलोसफी उसमें हम देखेंगे लेकिन 17 जून तक की मेहनत में ना अब ले लो टाइम टेबल लॉक हो चुका है जो बंदे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जो लोग जो लोग वर्किंग आवर्स भी हैं मेरे है बहुत सारी मेल्स आ रही हैं उनको बोल रहे एटलीस्ट कुछ तो मिला मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा टाइम टेबल बेस्ट है बट मेरे से जितना हो सकता है मैं दे रहा हूं यानी कि अब आ गया टाइम लेने का मुझे लॉक मिल गया टाइम टेबल मिल गया मुझे इसको फॉलो करना है हंड्रेड परसेंट नहीं हो रहा लिव इट कोई प्रॉब्लम नहीं एटलीस्ट ट्राई टू अचीव मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उतना मैक्सिमम लो बाकी तिकड़मबाजी ज्ञानबाजी वो अलग चीज उसको साइड रखते हैं लेकिन अभी वो चीजें लेनी है साथ साइड टू साइड जैसे ये बोलूंगा तपा दो अपने आप को इस बार अभी तक जो एस्पुरेंट जो सोचते हैं मैं सेकंड डिवीजन से हूं मैं थर्ड डिवीजन से हूं सर मैंने कभी सिक्सटी परसेंट से ऊपर मार्क्स नहीं लिया क्या मैं यूपीएससी दे सकता हूं तपाओ तो सही पहले मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार पहले अपने आपको प्रूफ तो करो कि मैंने एक बोलते हैं ना हार्ड वर्क किया है कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं तो करो तो सही पहले अपने आपको तपाओ तो सही जितना तपाओगे उतने ही ज्यादा फिनिशिंग टच आएगा मकान में हम जितने भी फॉर एग्जाम्पल को एक मकान बनाते हैं फिनिशिंग टच देते जाते हैं उस मकान की एक खूबसूरती अलग ही दिखने लग जाती है कि हाँ फिनिशिंग टच बहुत अच्छा है उसी तरह बेस मिल गया है टाइम टेबल मिल चुका है आगे तो बढ़ो आखिर अपने आपको तपाओ तो सही पता तो होगा आपको लोगों पता तो होगा आप लोगों को भी कि दुनिया आपके पीछे हंसती है एक्सेप्टेड सभी के पीछे हंसते हैं मैं ये नहीं कहता मेरे हो कोई भी हो जब आदमी फ्रेंड्स में होता है तो सोचते हैं हाँ देखो देखो ये ये देगा यूपीएससी इसने अपनी शकल देखी है कुछ इस तरह के कमेंट्स क्रिटिकल खास तौर पर फैमिलीज नेबर्स ये तो पीछा नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर चाहे आप आगे आओ चाहे पीछे रहो आगे हो गे तो भी पीछे नहीं छोड़ेंगे पीछे आओगे तो भी ये लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे बट अपने आप से जस्ट जस्ट पूछो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा कि याद रखो बस जो कुछ नहीं करते वही करते हैं जिनके बस की कुछ नहीं है ना वही आगे मारेंगे और कुछ नहीं होगा जो आदमी अपने आप से लड़ना चाहता है आगे बताऊंगा क्या, क्या है क्या नहीं है फिलोसफी टाइप की मेरी तरफ से जस्ट यही है कि क्योंकि ये उनके लिए इंपॉसिबल है क्योंकि क्रिटिज्म करते हैं जो कुछ नहीं करते वही सिर्फ क्रिटिज्म करते हैं क्योंकि ये उनके लिए इंपॉसिबल है लेकिन तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए एकदम पॉसिबल है क्योंकि तुमने एक चीज देखी कि हाँ मैं कर सकता हूं मेरे लिए पॉसिबल है यार थोड़ा पेन ही तो लेना है लेंगे क्या हो गया ये 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 तो जिंदगी का फंडा है जब तक जितना आदमी अपने आपको तपाएगा तो डेफिनेटली वो हमेशा आगे आएगा एक बात याद रखना दोस्तों दुनिया आपको दबा रही है हो सकता है क्योंकि उनको पता होगा एक बात हमेशा याद रखो दुनिया हो सकता है शायद आपको दबा दे लेकिन पता तो उन्हें भी है कि ये एस्पिरेंट तूफान मचा सकता है इस यूपीएससी में तो सो इसको रोको उनको भी पता है आपकी कैपेबिलिटी के के बारे में, के बारे में में आपके पैशन कि अगर इसको जगा दिया अगर खूनी शेर बना दिया तो ये छोड़ेगा नहीं ये किसी की नहीं सुनेगा फिर ये क्रैक करके अपनी किला फतेह करके रहेगा चाहे कुछ कुछ भी हो जाए तो गाइज मेरी तरफ से जैसे बोलूंगा बहुत हो गया अब लड़ना है लेकिन लड़ना किससे है यह भी क्वेश्चन है आखिर लड़ना किससे है बॉस ये भी तो क्वेश्चन है मैं यहां पे जैसे ही बोलूंगा कि अपने आप से लड़ना है पहले अपने आप से लड़ो फिर दुनिया से तो हम लड़ी लेंगे क्योंकि जब तक अपने आप से नहीं लड़ोगे जब तक कितना भी कोई जोर लगा ले दुनिया से नहीं लड़ पाओगे तो पहले अपने आप से लड़ना सीख जाओ कि हां मैं लड़ चुका हूं अपने आप से आ जाओ जी जिसको आना है मैं देख लूंगा तो कुछ इस तरह के मोटिवेशन रखो और साइड टू साइड जैसे ये बोलूंगा कि यूपीसी एस्पिरेंट सिर्फ जीतता है दोस्तों अपनी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमेशा जीतता है ये ध्यान रखना क्योंकि और क्योंकि वो हार भी जाए अगर ये भी हो सकता है हार भी जाए तो वो सीखता है लेकिन मैं जैसे आप यह बोलूंगा कि वो कभी फेल नहीं होता यानी कि जो बोलते हैं मैं फेल हो गया मैं पास हो गया इस फिलॉसफी को हटाओ हमेशा याद रखें कि वो हमेशा सीखता है दैट्स ऑल जब तक सीखेंगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा तो गाइज दोज स्टार्ट योर बैटल येट स्टार्ट करो बस आगे बढ़ो मैं आपको यहीं पर यह बोलूंगा कि अपनी इस बैटल को स्टार्ट करो क्या होगा यार सीखेंगे हाँ, हारेंगे तो नहीं इतना तो पता है सीखेंगे ही ना कोई नहीं इस नहीं अगले साल देंगे बट सीखेंगे और क्या कह लेंगे आई एस कुछ इस तरह की फिलोसफी एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा जिंदगी में तो तरह के लोग होते हैं अगर दोस्तों जिंदगी में से दो तरह के लोग होते हैं मेरी तरफ से एक वो जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते एक वो जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते एक वो जो आगे बढ़ने से नहीं रुकते ये मेरी अपनी खुद की फिलोसफी जिंदगी में आप लोगों को शायद कुछ लोग आगे ना बढ़ने दें मैं मानता हूं छोड़ो अपने आप से लड़ोगे ना तो ये फिलॉसफी खत्म हो जाएगी जिस दिन अपने आप से लड़ना स्टार्ट हो गया तो ये फिलॉसफी बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं आपको खुद बता रहा हूं और ये अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको कोई रोकेगा नहीं ये मेरा प्रॉमिस है तो गाइज मैं जैसे ये बोलूंगा बाकी यू नो एवरीथिंग आप खुद एक यू आर वेल मैच्योर हैं बाकी और मैं क्या बोलूँ जैसे ही बोलूँगा सून मैं टाइम टेबल मार्च का जल्दी दे दूँगा एम वर्किंग ऑन इट। सो थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक यू